Hello everyone and welcome back to my channel Easy English Literature. Today we will discuss Age of Revival. So before we start, please subscribe to my channel and hit the bell icon. Now we know we have divided the Middle English Literature into three parts: Age Before Chaucer, Age of Chaucer and Age of Revival. So today we will discuss Age of Revival. Now there are many political and cultural changes took place in this age. The first and foremost thing that happened was the arrival of printing press. The printing press was invented in Europe by Johannes Gutenberg in 1450 and was brought in England by William Caxton in 1476. Please remember the names. Okay. Now two important things happened due to the arrival of printing press. It helped in religious reformation and literacy rate increased. Now before the arrival of printing press, लोगों के पास लिटररी सोर्स नहीं था, तो दे वर ऑल डिपेंडेंट ऑन चर्च फॉर द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस. बट व्हेन द प्रिंटिंग प्रेस अराइव्ड, लार्ज नंबर ऑफ बुक्स वर प्रिंटेड, सो पीपल हैव लिटररी सोर्सेज, सो लिटरेसी रेट ऑटोमेटिकली इंक्रीज एंड इट ऑल्सो हेल्प्ड इन रिलीजियस रिफॉर्मेशन. द सेकेंड इंपॉर्टेंट मूवमेंट वॉज द रिफॉर्मेशन मूवमेंट दैट वॉज लेड बाय मार्टिन लूथर, अ जर्मन मॉन्क इन जर्मनी. इट वॉज स्टार्टेड इन जर्मनी बाय मार्टिन लूथर एंड देन इट वॉज मूव्ड टू इंग्लैंड. Now what was Reformation? Reformation was a movement against the belief of Catholic Church. Catholic Church में जो माल practices हो रही थी उनके against ये movement था. क्या होता था, जो clergymen थे वो indulgences के लिए पैसा लेने लगे थे. Like जब हम church में माफ़ी मांगने चाहते हैं तो clergymen हमें माफ़ करते हैं, that means God ने हमें माफ़ किया, but इस माफ़ी के लिए अब clergymen पैसा लेने लगे थे, which was wrong. So इसके against ये movement start हुआ, Reformation. मार्टिन लूथर रोट 95 थीसिस, दैट मीन्स 95 लेटर्स उन्होंने लिखे और विटनबर्ग के एक चर्च की वॉल पे उसे नेल कर दिया टू पुट द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ रिफॉर्मेशन मूवमेंट. ओके, नाउ वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज व्हेन दिस रिफॉर्मेशन मूवमेंट वॉज गोइंग ऑन इन जर्मनी, एट द सेम टाइम इट वॉज हैपनिंग इन स्विट्जरलैंड एंड वॉज लेड बाय जॉन कैल्विन. तो जब जर्मनी में ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ मार्टिन लूथर से, वहीं स्विट्जरलैंड में ये स्टार्ट हुआ जॉन कैल्विन से, और इंग्लैंड में ये आया जर्मनी से. अदर इम्पॉर्टेंट इवेंट दैट टुक प्लेस वॉज वॉर ऑफ रोजेज फ्रॉम 1455 टू 1485. अब वॉर ऑफ रोजेज क्यों कहा जाता है इसे, क्योंकि ये दो रॉयल फैमिलीज के बीच में, इंग्लैंड की दो रॉयल फैमिलीज के बीच में हुआ था और जिनके एम्बलम थे रोज. एक था हाउस ऑफ यॉर्क, हाउस ऑफ यॉर्क जिनका एम्बलम था वाइट रोज, एंड द अदर वॉज हाउस ऑफ लेंसेस्टर जिनका एम्बलम था रेड रोज. तो ये दो रॉयल फैमिलीज के बीच में वॉर हुआ था, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड वॉर ऑफ रोजेज. नाउ हेनरी ट्यूडर वॉज फ्रॉम लेंसेस्टर, हाउस ऑफ लेंसेस्टर. ही डिफीटेड रिचर्ड थ्री हु वॉज फ्रॉम द हाउस ऑफ यॉर्क. तो हेनरी ट्यूडर ने डिफीट किया रिचर्ड थ्री को एट द बैटल ऑफ बॉसवर्थ फील्ड. बॉसवर्थ फील्ड एक एरिया है, वहाँ की बैटल में हेनरी ट्यूडर ने डिफीट किया रिचर्ड थ्री को एंड दिस वॉज द फाइनल स्टेज ऑफ वॉर ऑफ रोजेस. तो फाइनली हाउस ऑफ लेंसेस्टर वन. नाउ व्हाट हैपेंड, दिस हेनरी ट्यूडर मैरिड टू द डॉटर ऑफ यॉर्क. हेनरी ट्यूडर ने शादी करी डॉटर ऑफ यॉर्क से, और अब जो नेक्स्ट किंग आएगा उनमें हाउस ऑफ लेंसेस्टर का भी ब्लड है एंड हाउस ऑफ यॉर्क का भी ब्लड है. Here onwards, Tudor dynasty started from Henry Tudor the 7th. So Tudor dynasty के first ruler हुए Henry 7th, और इन्होंने three important चीज़ें करी. एक तो इन्होंने land को stable किया, जो war of roses की वजह से जो इतना unstable हो गया था सब कुछ, उसको stable किया. Infrastructure को improve किया, और उन्होंने काफ़ी सारे scholars send किए to Italy and Greece. तो यहाँ से अब Renaissance start होगा. To know about Henry the 8th is very important because Henry the 8th married 6 times only to have a son. His first marriage was with Queen of Aragon, aur unse unki beti hui Mary the 1st jinhe hum Bloody Mary se jante hain. The second was Anne Boleyn jinse beti hui Elizabeth the 1st, and the third wife was Jane Seymour, yahan unhe beta hua Edward the 6th, and the rest three wives. Now Edward the 6th became the next ruler, क्योंकि वो बेटा था obviously, तो Edward the 6th next ruler बना. अब हमें सिर्फ ये जानना है कि किसने किसे support किया. Edward the 6th supported Protestants. Two groups हुआ करते थे, Catholics and Protestants. तो Edward the 6th जो support करते थे Protestants को. उसके बाद आई Lady Jane Grey.
ये क्राउन ने किया गया था इन्हें, और ये बहुत जल्दी इनकी डेथ हो गई थी। एडवर्ड द सिक्स की डेथ भी बहुत जल्दी हो गई थी। तो एडवर्ड द सिक्स के बाद जो क्राउंड किंग हुई या क्वीन हुई वो थी मैरी द फर्स्ट। मैरी द फर्स्ट सपोर्टेड कैथोलिसिज्म एंड एग्जीक्यूटेड प्रोटेस्टेंट्स। तो मैरी द फर्स्ट जो है वो कैथोलिसिज्म को, एडवर्ड द सिक्स प्रोटेस्टेंट्स को सपोर्ट करते थे, एंड मैरी द फर्स्ट उनके अपोजिट कैथोलिसिज्म को सपोर्ट करती थी। और मैरी द फर्स्ट ने कई सारे प्रोटेस्टेंट्स को एग्जीक्यूट किया था, दैट्स वाई इन्हें हम ब्लडी मैरी भी कहते हैं। एंड फाइनली केम एलिजाबेथ द फर्स्ट एंड शी सपोर्टेड बोथ। शी वॉज काइंड ऑफ न्यूट्रल फॉर कैथलिक्स एज वेल एज फॉर प्रोटेस्टेंट्स। तो ये थी ट्यूडर डायनेस्टी, हेनरी सेवेंथ, हेनरी एट, एडवर्ड सिक्स, मैरी द फर्स्ट एंड एलिजाबेथ द फर्स्ट। अब फ्रॉम एलिजाबेथ द फर्स्ट विल स्टार्ट द एलिजाबेथन एज। So, this was all about Age of Revival. We will meet soon in our next lecture. Till then, all the best. Keep learning. Bye-bye.